सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दिस आर सोन भैया एंड आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ एकदम नया वाला, एकदम लेटेस्ट वाला बोर्ड पेपर पैटर्न फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। जो लोग बोर्ड एग्जाम्स 2024 दे रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे के सारे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ ये भी शेयर करूंगा कि आपको हर एक सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है एंड कौन सा क्वेश्चन ज्यादा वेटेज रखते हैं एंड आपको कौन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे अभी का भी क्लिक कर लो, बिकॉज आज शाम को 7 बजे हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन लेने वाले हैं आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी कभी जाकर रिमाइंडर ऑन कर लो। एंड देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो आ गई होगी। सबसे पहले तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एंड वो 80 मार्क्स टोटल 6 सेक्शन से डिवाइडेड है। अब देखो सबसे पहला वाला सेक्शन लैंग्वेज स्टडी जो कि 10 मार्क्स के लिए आएगा। सेक्शन नंबर 2 टेक्सटुअल पैसेजेस 20 मार्क्स के लिए। सेक्शन नंबर 3 पोएट्री टोटल 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 4 नॉन टेक्सटुअल पैसेजेस। सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन नंबर 6 क्रिएटिव राइटिंग। अब देखो ये जो टोटल सेक्शंस हैं इनके अंदर से सेक्शन नंबर 5 एंड 6 सबसे ज्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पूरे पेपर पैटर्न के अंदर। तो ये जो दो सेक्शंस हैं ये हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर हम डिटेल में बात करें हर एक सेक्शन की, अगर हम लैंग्वेज स्टडी की बात करें, फोटो आ गई होगी। सबसे पहले तो लैंग्वेज स्टडी टोटल 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, आप सभी लोग एक काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पिछले 3-4 सालों में वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आफ्टर दैट गाइस सेक्शन नंबर 2 टेक्स्टुअल पैसेजेस, इसके अंदर रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, 3 चीज पूछी जाएगी। एंड मैं आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे पेपर राइटिंग के अंदर। हर एक जगह पे ग्रामर पूछा जाता है, तो ग्रामर एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड आपके पूरे 3 डेज का मैंने स्टडी प्लान ऑलरेडी दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना। एंड इस वीडियो के ऊपर पूरे 500 लाइक्स क्लेम रखते हैं, अभी के भी लाइक बटन दबा के मारो। एंड आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो को शेयर करना है अपने हर क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। तो देखो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 टेक्स्टुअल पैसेजेस, टोटल 20 मार्क्स के लिए आएगा एंड 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे। एंड ये दोनों के दोनों पैसेज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से कर लेनी है। इसके अंदर वही क्वेश्चन आएंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, लास्ट के अंदर आएगा पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स आपके खुद के ऊपर है, आपको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, बस इसके अंदर मेक श्योर करके रखना कि आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ आज शाम के 7 बजे के लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर रहे हो। एंड जो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन पे क्लिक कर देना, बिकॉज इट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे हर एक वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मार्क्स बढ़ाने वाली है, तो मेक श्योर आप एकदम एक्टिव हो चैनल के साथ। उसके बाद में आएगा सेकंड मैसेज जो कि सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल 20 मार्क्स के लिए। देन गाइस सेक्शन नंबर 3 पोएट्री, अब वाला जो सेक्शन है ना टोटल 10 मार्क्स के लिए आएगा। इसके अंदर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी के 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आएगा। अब एप्रिसिएशन कैसे प्रिपेयर करना है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आपको टोटल मार्क्स स्कोर करना है, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, ये वाले सेक्शन के अंदर आपको एकदम अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स को समझ लेना है, बिकॉज गाइस तभी जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आपने पॉइंट्स को समझा ही नहीं, आप नहीं लिख के आने वाले हो, एकदम सिंपल सी बात है। तो आप सभी लोगों पोएम्स को समझ लेना है। एंड इसके अंदर जो एप्रिसिएशन है वो इस तरह से बाइफरकेट किया गया है, सबसे पहले हाफ मार्क के लिए टाइटल, हाफ मार्क के लिए पोएट का नेम, उसके बाद में राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया, थीम। अब देखो इसी तरह से 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं। सेंट्रल आइडिया थीम के लिए टोटल 2 मार्क्स हैं। हर एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया समझ लेना है। आप कैसे समझ पाओगे, अगर आपको पोएम समझ में आ गई आप इजीली समझ जाओगे। तो मेक श्योर आप सारे के सारे पोएम्स को समझ रहे हो। आफ्टर दैट गाइस नॉन टेक्स्टुअल पैसेज, अभी वाला जो पैसेज है ना आपके टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा एंड यही सेम पैसेज के ऊपर आपको समरी भी लिखनी पड़ेगी। आप समरी कैसे लिखनी है मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप सभी को जाके चेकआउट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना। एंड देन गाइस 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस रहेंगे एंड बाकी के 5 मार्क्स के लिए समरी पूछी जाएगी। आपको समरी लिखना है ये वाले चैप्टर के ऊपर, समरी कैसे लिखना है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। समरी कैसे आएगी, 1 मार्क के लिए टाइटल आएगा, बाकी के 2 मार्क्स के लिए आपका जो सेंट्रल आइडिया थीम है अगर आपने एकदम सही से लिखा है आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आफ्टर दैट गाइस यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है एकदम सही होनी चाहिए तभी जाके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आफ्टर दैट गाइस सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स, अभी वाला जो सेक्शन है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज यही पे आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। राइटिंग स्किल्स से पहले जो भी सेक्शन है वो हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा, बट यही से बारी आती है एक टॉपर एंड एक एवरेज के बीच में, जो डिफरेंस होता है वो यही सेक्शन की वजह से बनता है। तो देखो सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लेटर राइटिंग के अंदर या तो इनफॉर्मल लिख लो या फिर फॉर्मल लिख लो, मैं तो बोलूंगा आपको फॉर्मल ही लिख के आना है। आफ्टर दैट गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप लोग नॉन वर्बल टू वर्बल लिख रहे हो या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल लिख रहे हो। मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को वर्बल टू नॉन वर्बल लिखना है। अब भैया ये सब क्या होता है कि मैंने लाइव
के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको जाके चेकआउट करना है। बट वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, आपको पैसेज दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे एंड आपको उसे टेबल फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसे फॉर्म करना है। एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सभी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आफ्टर डैट गाइस उसके बाद आएगा स्पीच राइटिंग या फिर व्यू काउंटर व्यू। मैं तो बोलूंगा स्पीच राइटिंग को ऑप्ट करो। एंड तो ये जो भी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स हैं, ये सब के सब 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स ईच है, तो आप सभी लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड यही पे स्पीच राइटिंग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। आफ्टर डैट गाइस सेक्शन नंबर 6 क्रिएटिव राइटिंग। अभी देखो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो एक्सपेंशन ऑफ थीम या फिर न्यूज रिपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। मैं तो आपसे बोलूंगा न्यूज रिपोर्ट को ऑप्ट करो, काफी सिंपल होता है, आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपको एवरग्रीन टॉपिक्स चाहिए अभी कभी कमेंट कर देना, यस भैया आपको एवरग्रीन टॉपिक्स मिल जाएंगे। आफ्टर डैट गाइस आप सभी लोग को यहाँ पे न्यूज रिपोर्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद में आएगा लास्ट क्वेश्चन आपके पूरे पेपर का, एकदम लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। अब देखो इन दोनों में से क्या सॉल्व करना है ये आपके ऊपर है, डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। एंड आप सभी लोगों को गेस करना है कि मैंने खुद ने कौन सा सॉल्व किया था। आज शाम को जो 7 बजे लाइव स्ट्रीम होने वाली है, मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ मैंने खुद ने कौन सा वाला सॉल्व किया था। तो मेक श्योर आप लोग शाम को 7 बजे लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन हो रहे हो। एंड आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। हम लोग मिलते हैं शाम को 7 बजे। टिल दैट टाइम गाइस आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एंड यस गाइस बाय बाय।